नमस्कार मित्रों, योगराज भाटी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम आज योगराज भाटी चैनल के माध्यम से एक हिंदू मुसलमान भाइयों में अधिकतर झगड़े क्यों होते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम आप तक ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो भेजते रहें। भाइयों, एक बार एक जंगल में गिद्ध और गिद्धनी रहते थे। उनके दो बच्चे थे। दोनों बच्चों एक दिन आपस में जिद करने लगे कि मैं तो इंसान का ही मांस खाऊंगा, और अपने गिद्ध पिता से बोलते हैं, पिताजी हमें आज इंसान का मांस ला कर देना। लेकिन गिद्ध बोलता, बेटा इंसान का मांस लाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन बच्चे कुछ खाते पीते नहीं और जिद करने लगते हैं, तो गिद्ध वहां से उड़कर जाता है और नगर के चारों तरफ घूमता, लेकिन कहीं भी उसे इंसान का मांस नहीं मिलता है। तो वो एक गाय मरी पड़ी थी गांव के बाहर, तो वो गाय का मांस लेकर ही अपने बच्चों के पास आ जाता है और बोलता है, बेटा गाय का मांस ले लो, इंसान का मांस तो मुझे कहीं भी नहीं मिला। गिद्ध के बच्चे गाय के मांस को नहीं खाते और बोलते हैं, पिताजी हमें तो आज हर हालत में इंसान का ही मांस चाहिए, वरना हम भूखे रहेंगे। ऐसी बात सुनकर के गिद्ध दोबारा जाता है और पास के जो एक दो गांव थे उनमें सभी में चक्कर काटता है, लेकिन उसे कहीं भी इंसान मरा हुआ नहीं मिलता है। तो वो इंसान का मांस लाने में असमर्थ रहता है। और वो फिर देखता है कि किसी सूअर का मांस पड़ा था, सूअर मरा हुआ, तो सूअर के मांस को ले जा करके अपने बच्चों को दे देता है और बोलता है, बेटा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं भी इंसान का मांस नहीं मिला, और सूअर का मांस मिला है, आप सूअर का मांस ही खा लीजिए। बच्चे इस पर नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी हमें किसी भी हालत में इंसान का ही मांस चाहिए, और वे गाय के मांस को भी नीचे फेंक देते हैं पेड़ के, और सूअर के मांस को भी फेंक देते हैं। अब गिद्ध और गिद्धनी बड़ी चिंता में हैं और वो गाँव के चारों तरफ जितने भी और पास गांव थे सब में जाते हैं, शहर में जाते हैं, लेकिन कहीं भी कोई इंसान मरा हुआ नहीं मिलता जिसका वो मांस लाकर बच्चों को खिला सकें। अब तो गिद्ध और गिद्धनी बड़ी चिंता में विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए, बच्चे हमारे भूखे हैं, बच्चे किसी भी मांस को खाने को तैयार नहीं हैं, बच्चों ने जिद की है कि बस इंसान का ही मांस खाएंगे। तो अब गिद्ध और गिद्धनी ने अपना दिमाग लगाया कि हम कोई ऐसी युक्ति बनाते हैं जिससे कि इंसान का मांस हमें मिल जाए। और उन्होंने वो पेड़ के नीचे जो गाय का मांस लाए थे उसको, गाय के मांस को ले जाकर एक नज़दीकी स्थान मंदिर पर, मंदिर के अंदर उन्होंने गाय का मांस डाल दिया। रात्रि का समय था और गाय का मांस डालने के बाद वो फिर पेड़ के नीचे आए और सूअर का मांस जो था उसको डाल दिया। मस्जिद में जाकर के सूअर का मांस डाल दिया। जैसे ही सुबह उठती है, सुबह भक्त जन मंदिर में आरती पूजा के लिए आते हैं हिंदू भाई, तो वो गाय का मांस देख करके खून खोलने लगता और बोलते हैं, ये जरूर मुसलमानों का ही काम है, मुस्लिम भाइयों ने ही जरूर किया होगा जिससे कि हमारा मंदिर पवित्र हो जाए। और उधर मुसलमान भाई मस्जिद में जब जाते हैं तो देखते हैं सूअर का मांस पड़ा है, और वो भी यही सोचते हैं कि ये जरूर हिंदुओं का काम है ताकि हमारी मस्जिद अपवित्र हो जाए। और यह खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल जाती है, शहर में फैल जाती है, और हिंदू मुसलमान यह खबर फैलने के साथ साथ इतनी खून खोलने लगता है कि दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और इतनी भयंकर लड़ाई होती है हिंदू मुसलमानों के अंदर कि सैकड़ों की तादाद में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ लड़के कट जाते हैं और मर जाते हैं। ये सब दृश्य गिद्ध और गिद्धनी देख रहे थे। जैसे ही लड़ाई थोड़ी शांत होती है, मरे हुए आदमियों का मांस ले जाकर, बहुत सारा मांस अपने बच्चों के पास ले जाते हैं गिद्ध और गिद्धनी, और गिद्ध और के बच्चे इंसानों का मांस खा करके बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं, पिताजी दो एक कल तो आपको इंसान का मांस बिल्कुल भी नहीं मिला था, लेकिन आज इतना सारा मांस कहाँ से मिल गया। तो इस पर गिद्ध हंसता है और बोलता है, बेटा ये इंसान होते ही इतने मूर्ख लोग हैं, इनमें हम जानवर और पक्षियों जितनी भी बुद्धि नहीं होती है, ये कहने को ही इंसान है लेकिन ये हम पक्षियों से भी कम बुद्धि वाले होते हैं और ये सोचते नहीं हैं, बहुत से लोग कुछ बिल्कुल जरा भी नहीं सोचते हैं। मैंने गाय का मांस मंदिर में डाल दिया था जिससे हिंदू लोग भड़क जाएं
और मंदिर मस्जिद में सूअर का मांस डाल दिया था जिससे कि मुसलमान भड़क जाएं, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग ये नहीं लगाया कि ऐसा वास्तव में किया किसने। तो इसलिए दोनों में आपस में हिंदू मुसलमान भाइयों में लड़ाई हो गई। और आज की डेट में अगर हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमानों के झगड़े होते हैं तो ये गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध मेरा मतलब है गिद्ध नेता। कुछ नेता ऐसे होते हैं भारत के अंदर, कुछ नेता जो गिद्ध की तरह होते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी कोई रणनीति अपनाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम भाइयों में झगड़ा हो, आपस में दोनों हिंदू मुस्लिम लड़ें, यही सोच करके वो कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति अपनाते हैं ताकि हिंदू मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो जाए, दंगे फैलते रहें, उन्हीं में इनको फायदा लगता है नेताओं को। ये गिद्ध, कुछ नेता गिद्ध की तरह होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ और अपने भलाई के लिए ही ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि हिंदू मुसलमानों में दंगे भड़ गए। तो हम सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, ना कि आंखें बंद करके गिद्ध जैसे लोगों पर, गिद्ध जैसे नेताओं पर यकीन करके वो कुछ भी रणनीति चलते हैं उसके बहकावे में आकर के आपस में झगड़ा कर बैठें। इसलिए हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, मानवता की ओर आकर्षित रहना चाहिए और लड़ाई झगड़े से, आपस में विद्रोह से दूर रहना चाहिए, दंगे से, क्योंकि ये दंगा सिर्फ कुछ चंद नेता ऐसे होते हैं जो दंगा करवाते हैं, गिद्ध की तरह होते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार प्यारे मित्रों।